जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। देखिए, काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। 60,244 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम कैंसिल हो चुका है और री एग्जाम इसका होने वाला है, लेकिन बहुत लोगों के दिमाग में बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन बातों का आ रहा है, जैसे कि बहुत लोगों का पेपर अच्छा गया है, 220-230 नंबर भाई आ रहा है, तो इन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन ये चल रहा है कि जब पेपर कैंसिल हुआ है तो क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाएगा, और साथ साथ बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा है क्या फिर से फॉर्म भरा जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसका एग्जाम कितने दिन के अंदर में देखने को मिलेगा। 6 मंथ का तो समय लिया गया है, लेकिन क्या ये वाकई में 6 मंथ लगने वाला है कि 1 मंथ में होने वाला है। सबसे पहले यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल, वाकई में गलती हुई थी, कुछ ही लोगों के द्वारा ये काम किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं था। पेपर आउट हुआ था तो बहुत बढ़िया डिसीजन है। अब इससे आप खुश हो नाराज हो, ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर रियल चीज बात करें, मतलब रियल बात करें, तो ये काफी अच्छा हुआ भाई। हर चीज जो है अच्छे तरीका से होना चाहिए। जब पेपर आउट हुआ तो 100% पेपर कैंसिल होना चाहिए, और जो कि हुआ, और इसके लिए काफी ज्यादा लोगों ने मेहनत किया है, कुछ लड़कों ने, कुछ टीचर ने, जिसके लिए हम लोग सभी लोग थैंकफुल हैं। मतलब समझ लो कि 40 लाख लड़के थैंकफुल हैं। अब रही बात कि आपके दिमाग में चल रहा है ये बात कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर पेपर की बात करें तो पेपर सिर्फ 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा हाई देखने को मिला था, बाकी सभी शिफ्ट में पेपर लगभग नॉर्मल देखने को मिला था। तो बहुत लोग 230-240 ठोक के आए हैं, तो इनको यही क्वेश्चन चल रहा है कि अरे यार फिर से जो है ये करना पड़ेगा, पता नहीं ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं, यदि आप 240, 220, 230, 250, 300 अगर इतना नंबर तुम मार दिए हो, तो बिल्कुल जब नेक्स्ट एग्जाम होगा ना, उसमें भी तुम इतना ही मारे हुए। और जो आपके दिमाग में चल रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका एग्जाम कैंसिल करके री एग्जाम के लिए शेड्यूल किया गया है, ये नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है। हाँ, कुछ आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा, चेंजिंग रूपी क्या देखने को मिलेगा ये आपको थोड़ा सा अगर आपके पास भी कॉमन सेंस होगा तो आप समझ गए होंगे। हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जीके जीएस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे था वैसा ही रहेगा। लेकिन रीजनिंग का जो आपको सेक्शन देखने को मिला था 50 से 55 क्वेश्चन, जिसमें मानसिक अभिरुचि से जो आपको 15-17 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन की संख्या कम कर दी जाए। बात समझ रहे हो, क्योंकि लड़के इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है कम कर देंगे। ये पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हो भी सकता है, जरूरी नहीं है, होगा भी नहीं भी होगा। तो उस हिसाब से आपका जो सबसे वीक सेक्शन की बात करें पूरे क्वेश्चन में, तो बस लड़कों का यही देखने को मिला है, मानसिक अभिरुचि। सबसे ज्यादा लड़कों का टाइम टेकिंग यही किया है और परेशानी भी यही टॉपिक दिया है। थोड़ा सा अगर आपका तैयारी ठीक ठाक है तो भाई थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लो, क्या करना है। और ये बात आप आज ही अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपने 230-240 नंबर लाया था तो फिर से एग्जाम होता है, अगर ईमानदारी से आपने लाया था तो फिर ईमानदारी से उतना नंबर आप लेके आओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो परेशान नहीं होना है, हदास नहीं होना है कि अरे यार फिर से एग्जाम होगा तो क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल आप ही के फेवर में सारा चीज रहने वाला है। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी तैयारी थोड़ी सी वीक थी, या अच्छे थे, मतलब तैयारी में बहुत अच्छे थे, लेकिन पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न देख के उनको टाइम मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम हो गया, जिसके वजह से वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन टच नहीं कर पाए हैं। तो भैया उनके लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अपने वीक सेक्शन पे काम कर लो और देख लो क्या कैसे है, और बिल्कुल समझ लो कि लग जाओ। क्या कमी थी कि आप घर पे जो है 220-230 थे, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में गए तो आपसे जो है 80 या 90 क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो देखिए और काम करिए। खैर, इस पे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, लेकिन अभी तो मेन जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बात कर ले। अब देखिए, एग्जाम को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि एग्जाम इसका जो है कब तक देखने को मिलेगा। 6 मंथ का तो ऐसा समय दिया गया है ऑफिशियली कि भैया आप लोगों को 6 मंथ का समय है, 6 मंथ के अंदर में करवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये भी आप लोग अपने दिमाग में मत रखना कि 6 मंथ, मतलब 6 मंथ से ज्यादा भी समय लग जाएगा, या आपको जो 6 मंथ बताया गया है तो 5 मंथ बिता के 6वां मंथ में होगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। 1 से 1.5 मंथ में आपकी एग्जाम हो जाएगी, बात समझ रहे हो ना। इलेक्शन का पूरा गर्मा गर्मी माहौल है और इसी इलेक्शन बीच में आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब 6 मंथ बस समय लिया गया है कि हाँ, एक होता नहीं है कि भाई कोई काम हुआ है तो उसके लिए थोड़ा सा समय ले लो कि फिर कोई गलती ना हो। जब 6 मंथ आपको समय दिया गया है तो 6 मंथ के अंदर में आपका एग्जाम भी होगा।
तो आपको हर दिन के लिए आप तैयार रहना है। आपको जैसे कि ये फेब्रुवरी चल रहा है तो आप मार्च के लिए तैयार रहिए, अप्रैल के लिए तैयार रहिए, समझ रहे हो, जून के लिए तैयार रहिए, जुलाई के लिए तैयार रहिए, हर मंथ के लिए तैयार रहिए कि किसी भी मंथ में आपका एग्जाम हो, आप एग्जाम देने के लिए पूरी सक्षम हो और आप एग्जाम दे लोगे। ठीक, तो अपनी तैयारी अब उस तरह से करना है। अब ये भी नहीं है कि आपको फाउंडेशन क्लास करना है या आपको जो है सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना है, आपको डायरेक्ट सब कुछ मालूम है तो बस आपको अपने वीक सेक्शन पे काम करना है और बस लग जाना है। बहुत लोग के दिमाग में एक ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि क्या री फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, री फॉर्म आपसे नहीं भरवाए जाएंगे, फिर से फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे, जो फॉर्म भरे हैं वही लड़के अपियर होंगे। हाँ, दूसरी नई वैकेंसी आती है, जैसे कि आपको पीएससी की वैकेंसी आने वाली है, यूपीएसएसएफ की वैकेंसी आने वाली है, ड्राइवर की आने वाली है, जेल वार्डन की आने वाली है, दरोगा की आने वाली है, तो ये सब वैकेंसी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी, तब आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। लेकिन सिपाही जो ये 60,000 जो वैकेंसी है, इसके लिए आपको जो है फिर से फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। फिर अब बहुत लोगों के दिमाग में एक तरह का ये भी क्वेश्चन चल रहा कि हमने जो है एग्जाम नहीं दिया था, अब्सेंट हो गए थे, तो क्या हमको फिर से समय मिलेगा? तो भैया मुश्किल है आप लोगों का, लेकिन आप एक काम कर सकते हो। एक काम में आप क्या कर सकते हो कि आप जो बोर्ड का ट्यूटर हैंडल है, बाकायदा अपनी कहानी को लिखिए और लिख के और ट्वीट करिए, हो सके कि बोर्ड आपको जवाब दे दे, और इसका जवाब आपको एज सून पॉसिबल मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे हैं भाई जो एग्जाम में शरीक नहीं हो पाए हैं। 43 लाख 44 लाख के आसपास ही लड़के एग्जाम में शरीक हुए हैं, जबकि फॉर्म भराया 50-51 लाख के आसपास फॉर्म भराया गया था, जिसमें से 48 लाख के आसपास लड़कों का जो है रजिस्ट्रेशन स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 43-44 लाख के आसपास ही लड़के एग्जाम दिए हैं, तो 2-3 लाख लड़के कैसे हूँ बच गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हमको फिर से चांस मिल जाए, तो इसका कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। और जहां तक उम्मीद है कि आपका एग्जाम जहां तक है आपको शरीक नहीं किया जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक बार आप ट्विटर हैंडल पे जाके बकायदा पूछ सकते हो, या उसका ऑफिशियल नंबर भी आपको मिल जाएगा भर्ती बोर्ड का, वहां फोन करके पूछ सकते हो। ठीक है, उनको करवाना होगा तो करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा तो स्टोर्ड ही है और आपका ओएमआर शीट आपका पेपर आपके नाम से आया ही होगा, बस आप एग्जाम में प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो हो भी सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उनसे पूछना पड़ेगा भर्ती बोर्ड से। और जैसे हमको पता चलता है अपने टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। ऐसे भी छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती है।